अब सामने की जगह मेरे पीछे से आना शुरू करा और पीछे से इतनी लंबी जीभ वो लगाती थी मेरी पीठ पे और पूरा का पूरा जो मल लगा होता था पूरे शरीर पे उसको चाटती थी, दांत से निशान बनाती थी और निशान बनने के बाद जब उसमें रक्त आता था उस रक्त का पान करती थी और कान में फुसफुस आती थी। अभी जो उग्र थी दो बार से तीसरी बार में वो शांत होना शुरू हुई। उसने देखा कि हटी है, ये नहीं उठने वाला। कान में फुसफुस आती थी, संगीत गाती थी अजीब अजीब से, कोई राग रागनिया इस प्रकार की कुछ संगीतों की झाड़ियां लगाती थी। और जब तक मैं गाता रहता, साधना करता रहता था, वो गाती रहती थी। कभी कुछ फुसफुसा देती थी, कभी दाएं में, कभी बाएं में, कभी सर पे बाल फेरती, अपने उंगलियां फेरती थी, अपने नाखून से मेरे कपाल को नोचने का भी प्रयास करती थी, जैसे प्रेम से कभी कभी वो सर पे मेरे बालों पे हाथ फेर रही थी और अचानक से उस हाथों को मेरे कपाल पे बहुत तेजी से बांध देती थी और जैसे कपाल मेरा नाखूनों के कब्जे से कपाल को उखाड़ के अलग फेंक देगी, मगज को उखाड़ के फेंक देगी, इतना तेज वो पकड़ लेती थी। जैसे मैं सिर्फ अपने कपाल के बल पे ही शरीर से उठ के फेंक देगी मुझे, इस प्रकार से मुझे उठा देती थी। फिर वो रख देती थी, फिर वो पीछे हट जाती थी, फिर वो देखती थी कि मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये मेरे से डर रहा है कि नहीं डर रहा है, ये मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उसने फिर अंगों से भी जो है खेलना शुरू कर दिया और बार 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 गलत गलत विचार मन में डालना शुरू कर दिया, गलत प्रकार की हरकतों को करने के लिए प्रेरित करने लगी। अब वो डेली आने लगी, अब वो रोज आने लगी, प्रतिदिन का उसका हो गया। आए कभी मेरी जांघ पे खड़ी हो जाए, कभी मेरे सर पे खड़ी हो जाए, कभी कंधों पे बैठ जाए, कभी आकार बढ़ा कर ले, कभी आकार छोटा कर ले। और उससे बदबू बहुत भयानक आती थी, बहुत भयानक बदबू आती थी, जैसे कोई मुर्दा सड़ रहा हो, कोई डेड बॉडी सड़ रही हो, इतनी बदबू आती थी। आप नाक बंद भी कर लेंगे तो भी बदबू आती थी। गलत गलत विचार आते थे कि इसको मार दूं, उसको मार दूं, किसको मार दूं, अपने गुरु को मार दूं, अपने गुरु भाइयों को मार दूं। ये सब इतने प्रकार के जो भाव आते हैं, ये प्रेत जनित भाव होते हैं। किसी भी साधक को जब वो साधना कर रहा हो, किसी भी देवी या देवता की, उसके हृदय में अगर इस प्रकार से गुरु के प्रति या गुरु भाइयों के प्रति या किसी के भी प्रति अगर भीतर ये इस प्रकार से कुछ सिद्ध विचार उठ रहे हैं, तो ये समझना कि वो जिसको बोल रहा है देव या देवी, उसके भूत प्रेत इत्यादियों से वो ग्रसित है इस समय। जिनको भोग दे रहा है वो भोग नहीं ले रहे हैं, अंतर बहुत रहस्यमय है, ऐसे नहीं समझ में आता। लोगों की देखा देखी लोग मदिरा का, चिलम का, मिठाई इत्यादि का भोग लगाना शुरू कर देते हैं, मांस का भोग लगाना शुरू कर देते हैं, कलेजी का लगाना शुरू कर देते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि कौन आके ले जा रहा है। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और लोगों को लगता है कि आ गया देव और देवी। ये मैं उन साधकों के लिए बोल रहा हूँ जो साधक अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो सिद्ध हैं, जिनको सब पता है कौन आता है कौन जाता है। और उस स्टेज में उनका व्यवहार फिर वैसा ही हो जाता है,
खूब ड्रिंक करने लगेंगे, खूब उनको मजा आने लगेगा, मुद्रा में, मांस में, रक्त में, बलि में, इन सब में उनको बड़ा मजा आने लगेगा। इस प्रकार के भोग ग्रहण करने वाले, इस प्रकार की उस साधक की प्रवृत्ति करने वाले वो नीच योनि के जो प्रेत आत्मा है वही हैं, और वही उसके दिमाग में आके खलल पैदा करते हैं, वही उचाट करते हैं, वही साधना से उठाते हैं, वही गुरु के प्रति भी उचाट करा देते हैं, गुरु के प्रति भी द्वेष भाव करवा देते हैं। एक कॉम्पिटिशन की एक साधक हैं हमारे, उनका तो यहाँ तक कहना था कि गुरु हमारे हमसे कंपटीशन समझ रहे हैं। ये सारे जो विचार इस प्रकार के आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेत जनित विचार हैं, क्योंकि उस शक्ति के पास आने से पहले उसके चारों तरफ असंख्य उसके प्रेत हैं, असंख्य उसके भूत प्रेतगण हैं, और उनका व्यवहार ऐसा ही होता है। वो साधक को आने नहीं देना चाहते हैं, उसका आदेश है कि मेरे पास ऐसे हल्के फुल्के मत आने दो, तेजवान, ओजवान, वीरवान, सत्यवान लोग मेरे पास आए, क्षमतावान लेके आओ मेरे पास। तो जो हल्के फुल्के हैं वो इस माया में, उस राहु की माया में उनको भटका देते हैं, और जो उस भटकाव को तोड़ने में सहायक होता है गुरु, उसके अगेंस्ट वो पहले वो क्रिया कर देते हैं कि सबसे पहले इसको हटाओ, ये जो इसको भटकने नहीं देना चाहता है पहले इसको अलग करो। ऐसे बहुत सारे मेरे शिष्य हैं, बहुत सारे साधक हैं जिनके मन में उचाट होता रहता है, गुरु जी हमें तो कुछ दिया ही नहीं, गुरु जी तो हमें तो कुछ कराते ही नहीं, गुरु जी की वजह से तो हमारे जीवन में ऐसा हो गया, गुरु तो कुछ नहीं होता है, मैं हूं, मैं जो जैसा हूं वैसा हूं। तो ऐसे जितने साधक हैं, बहुत सारे साधक हैं स्त्री और पुरुष दोनों में, और दोनों में ही अहंकार बहुत ज्यादा होता है। ये भूत प्रेतगण आपको ये नहीं मानने देंगे कि आप नहीं जानते हैं, वो आपको विश्वास दिला देंगे कि जैसे आप हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही रहिए, क्या जाता है दुनिया का, दुनिया दबाती है, सबसे पहले तो गुरु दबाता है, हटाओ गुरु की ऐसी की तैसी। गुरु के प्रति बहुत कॉन्फिडेंस से उसके भीतर इस प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग पूछेंगे इसमें क्या उपाय करें, इसमें क्या उपाय आप कर सकते हैं, गुरु के अलावा, समर्पण के अलावा आप उपाय कर क्या सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई टोटका नहीं इसका, या तो भटकते रहिए और अपने आप को सही मान के उद्घोष करते रहिए कि मैं सही हूं, सत्यता सबको पता है, सही इसलिए है कि मैं टूटना नहीं चाहता है और मजबूरी है कि नहीं टूटने देना चाहता है, टूटेगा तो नया बनेगा ना, नया लेने से डर लगता है, पता नहीं क्या हो, पुराना जैसा भी है गंदा मैला कुचला जाना हुआ है, इसलिए ठीक है, इतनी इतना पौरुष नहीं है मेरे में, इतना भय मुक्त नहीं हूं जो मैं नई चीज को, नवीन चीज को ग्रहण कर सकूं, इसलिए जैसा है ठीक है, मैं ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा या ऐसी रहूंगी, दोनों ही प्रकार से। धीरे 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 उसने मेरी परीक्षाओं को और ज्यादा कठिन बना दिया। एक उससे मुझे लड़ना पड़ता था ऐसे कि मुझे कुछ रिएक्ट भी नहीं करना है, मुझे उसके द्वारा मिलने वाले कष्ट को भी झेलते हुए चलना है, मुझे वहाँ पर जो सांसारिक, जो शारीरिक परिस्थितियाँ मेरे जो विपरीत हैं उनकी व्यवस्थाओं को भी करना है, बीराना सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सवेरे तक कोई नहीं, एक जीव नहीं बात करने के लिए, कोई फोन इत्यादि भी नहीं था मेरे पास उस समय, कोई किताब नहीं, बस एक मंत्र जो दिया हुआ था, दो काले कपड़े, बस इसके अलावा कुछ नहीं, खाने पीने का सामान सब समाप्त हो चुका था, सिर्फ पानी पर ही मैं जीवित था इस समय। एक दिन
मुझे विचार आया, लगभग 25-30 दिन करीब हो चुके थे, कि अगर मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, तो क्यों ना मैं इसी से मांग लूं जिसकी मैं साधना कर रहा हूं। अब ये मेरा परीक्षा का अंतिम दौर चल रहा था साधनाओं का, इस साधना का स्पेशली। मैंने जब ये विचार किया तो मुझे पीछे से कहीं एक आभास तो था कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भूख प्यास कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं नहीं संभाल पा रहा था। हालांकि वहां कोई मेहनत थी नहीं, सिर्फ जाप था और ध्यान था, लेकिन फिर भी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं थोड़ी बहुत, उनको पूर्ति हेतु यहां स्थान से निकलने के लिए मना था। ऐसा भी नहीं था कि मैं 4 किलोमीटर जाऊं, कुछ खा पी के आऊं। फिर भी मैंने मन बनाया कि मैं बात करूंगा। जैसे ही उस रात्रि को मैंने जब मन बनाया था, उसी रात्रि को जब उसका आगमन हुआ पीछे से, तो उसने मेरी गर्दन पकड़ी, और गर्दन ऐसे पकड़ी कि पूरी गर्दन उसके पूरे हाथ के एक पंजे में समा गई, और आगे वाले नाखून मेरे आगे वाली नली पे चुभने लगे, उसमें से रक्त की धार बहने लगी। वो रक्त की धार ऐसे मुझे लगी क्योंकि मेरा पूरा पेट, पूरा नीचे धोती पूरी गीली हो गई। वहां पे 3-4 निशानों से ऐसे रक्त बह रहा था, और उस रक्त का पान करने के लिए उसकी जीभ लपलपा रही थी। उसने मेरे हाथ पे नाखून पर निशान मारा, नाखून को खींचने के लिए उसने जोर लगाया कि ये नाखून मैं ले जाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो जानकारीप्रद रोमांचक लगी हो तो ज्ञानवर्धन के लिए सभी साधकों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।